नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों कैसे आप सब, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 23 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। मध्य प्रदेश सरकार ने किसको प्रदेश का महाधिवक्ता नियुक्त किया है? तो किनको किया है? शशांक शेखर जी को मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश का महाधिवक्ता नियुक्त किया है। इनकी जो नियुक्ति हुई है दोस्तों, वह राजन तिवारी के स्थान पर हुई थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। बात करते हैं महाधिवक्ता के बारे में। तो जिस प्रकार देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, वही प्रदेश का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। महान्यायवादी की का वर्णन संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया है, जिसके अनुसार भारत का एक महान्यायवादी होगा और उसकी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होगा। वहीं सॉलिसिटर जनरल की बात करूं तो अभी वर्तमान में तुषार मेहता जी हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान, वहीं महान्यायवादी यानी कि जो हैं आपके वो के वेणुगोपाल जी हैं। वहीं महाधिवक्ता प्रदेश सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 165 में किया गया है। निम्नलिखित में से 21 कंपनी ने गुजरात, बिहार एवं महाराष्ट्र के गांव में मुफ्त वाईफाई पहुंचाने के लिए बीएसएनएल के साथ टाइप किया है? तो किसने किया है दोस्तों? गूगल ने किया है। बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक दोस्तों पारो आनंद है। 92वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की तरफ से किस फिल्म की आधिकारिक प्रविष्टि होगी? तो ये गली बॉय है, जिसकी 92वें ऑस्कर पुरस्कार में भारत की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि होगी। इस फिल्म का निर्देशन जोया अख्तर द्वारा किया गया है। वहीं रणवीर सिंह और आलिया भट्ट द्वारा इसको अभिनीत किया गया है, मुख्य किरदार निभाया गया है। बात करते हैं ऑस्कर पुरस्कारों की। तो ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत के सबसे बड़े पुरस्कार होते हैं, जिनकी शुरुआत 16 मई 1929 को हुई थी। इसको इन पुरस्कारों को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा प्रदान किया जाता है, जिनका आयोजन हर साल अमेरिका के शहर लॉस एंजिल्स शहर में इनका आयोजन किया जाता है। बात करते हैं अगर 2019 के ऑस्कर पुरस्कारों की, तो सबसे बेस्ट फिल्म जो रही थी वो ग्रीन बुक रही थी। ग्रीन बुक बेस्ट एक्टर रामी मल्लिक और बेस्ट एक्ट्रेस ओलिवा कोलमैन रही थी। खेल मंत्रालय ने कितने राष्ट्रीय उत्कृष्ट खेल केंद्रों की स्थापना करने की घोषणा की है? तो इन्होंने 20 खेल केंद्रों की स्थापना करने की घोषणा की है, जहां पर आपके 2024 और 2028 के ओलंपिक खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा। बात करते हैं खेल मंत्री की, तो खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। भारतीय पेट्रोनेट कंपनी ने किस देश की टेलुरियन कंपनी से 50 लाख टन तरल प्राकृतिक गैस आयात करेगी? तो किस कहां की कंपनी है दोस्तों? ये अमेरिका की कंपनी है, टेलुरियन कंपनी कहां की है? अमेरिका की कंपनी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार द्वारा स्वच्छ भारत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो किस सरकार द्वारा की जाएगी दोस्तों? महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया जाएगी। अमेरिका ने किस देश के सेंट्रल बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इन्होंने ईरान के सेंट्रल बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों लगा दिया है? क्योंकि जो हाल में ही जो घटनाक्रम हुआ है, यानी कि जो सऊदी अरब की जो एक कंपनी थी दोस्तों, सऊदी अरब की एक तेल कंपनी अरामेको, इसको यमन के हुती विद्रोहियों द्वारा नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन जो इसमें ड्रोन और जो मिसाइलें इस्तेमाल की गई वो ईरान द्वारा निर्मित है। इसीलिए अमेरिका ने इस फैसले के तहत वहां के सेंट्रल बैंक को प्रतिबंधित कर दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा अपनी कमेंट प्रतिक्रिया द्वारा। साथ ही करंट अफेयर्स जुड़ी अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमारी साइट को विजिट कर सकते हैं, psadda.com। हमारे psadda के यूट्यूब चैनल को दोस्तों लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।